यू आर अ बिजनेसमैन इजंट इट, तो आप सेल्स भी बहुत करते होंगे, क्या कहा? सुबह से लेकर के शाम तक सेल्स ही करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आपकी सेल्स बहुत अच्छी चल रही होगी, बिजनेस रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, क्या कहा? नहीं, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कितना समय सेल्स की एक्टिविटी पर लगाते हैं? क्या कहा? सारा समय ही सेल्स पर लगाते हैं। तो चलो मैं आपसे कुछ खास प्रश्न करता हूं। जहां तक सेल्स की बात है, तो सेल्स में तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जब आप कस्टमर्स को, नए नए कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन, यानी कि जब आप अपने कस्टमर के साथ आमने सामने बैठ करके अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे कुछ समझा रहे हैं, उसे कुछ बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और तीसरा तब जबकि आप कस्टमर से निगोशिएट कर रहे हैं, प्राइस फाइनलाइज कर रहे हैं और ऑर्डर पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तीनों एक्टिविटीज के ऊपर आप सुबह से लेकर के शाम तक कितना समय लगाते हैं? तो आप खो गए। मैं आपको बताऊं कि इन तीनों एक्टिविटीज के ऊपर, जो कि एक्चुअली सेल्स की एक्टिविटीज हैं, इनके ऊपर एक एवरेज सेल्स का आदमी 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाता। जी हाँ, 90 मिनट्स ओनली फॉर द एंटायर डे। तो फिर सेल्स कैसे बढ़ेगी? तो सीधी सी फॉर्मूला है कि अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो इस 90 मिनट्स को आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, एंड ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो गई है। थैंक यू।